गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइस हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नरमीन और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं एक अमेजिंग से स्ट्रेटनर का रिव्यू। सो गाइज, आज आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। अगर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में आए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास है रिमेनिंग टोन का अमेजिंग सा इंस्टेंट स्ट्रेटनर। फ्रेंड्स, ये ऐसा स्ट्रेट करता है कि ये बहुत ही अच्छे आपके हेयर्स को ग्लो ले आता है, यानी कि आपके हेयर्स का जो वॉल्यूम होता है उसको क्रिएट कर देता है। सो गाइज, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फ्रेंड्स, इसका जो मॉडल है वो है 911 और इसके अलावा ये आपको नेगेटिव आयरन टेक्नोलॉजी है। ये फर्स्ट यानी कि फास्ट, इतना फास्ट है कि ये 30 सेकेंड हीट अप हो जाता है, 30 सेकेंड में हीट अप हो जाता है। और इसकी इसकी स्मार्ट हीट कवरेज है, फ्यूचर्स हैं फ्रेंड्स इसके बहुत ही अमेजिंग से। और ये मिक्स टेम्परेचर है फ्रेंड्स, इसको आप 750 तक ले जा सकते हैं। इसके जो टेम्परेचर्स हैं यानी कि 550 से स्टार्ट होकर आपको तकरीबन 750 तक जाते हैं। फ्रेंड्स, ये उन लोगों के हेयर्स के लिए होता है जिन लोगों के हेयर्स बहुत हैवी होते हैं या जिन लोगों के हेयर्स जो होते हैं बहुत कर्ली होते हैं। सो गाइज़, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया क्योंकि मेरे हेयर्स जो हैं ये बहुत हेल्दी सी हैं और अगर उसको स्ट्रेट करो किसी नॉर्मल स्ट्रेटनर से तो नहीं होते। सो गाइज़, जिन लोगों के हेयर्स हेल्दी हैं और कर्ली हैं तो उन लोगों को चाहिए कि वो इस तरह का स्ट्रेटनर यूज़ करें, नहीं तो नॉर्मल स्ट्रेटर जिनकी यानी कि 220 तक होती है हीट, उससे भी उनका स्ट्रेटनर हो सकता है। सो गाइज, आपने पहले अपने हेयर्स को चेक करना है, उसके बाद आपने इस तरह के स्ट्रेटनर का इंतखाब करना है। आपने ये नहीं कि आपने जो मैंने बता दिया या जो किसी और ने बता दिया जिसका भी आपने रिव्यू चेक किया तो आपने उसको परचेज़ कर लिया। फ्रेंड्स, आपने इसकी हीट को चेक करना होता है। इसकी जो हीट होती है ये आपके हेयर से यानी कि मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर आपके हेयर्स हेल्दी हैं तो आपको कम ज़्यादा हीट वाला चाहिए। अगर कम आपके हेयर्स जो हैं नॉर्मल हैं और इतने हेल्दी नहीं है तो आपको नॉर्मल हीट वाला जो है वो यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने हीट प्रोटेक्टर स्प्रे जो है वो ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि आपके हेयर्स जो हैं उसकी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि अगर आप स्ट्रेटनर करते हैं तो उसके बाद आपकी हेयर्स ख़राब हो सकती हैं। सो गाइस, ये केराटिन प्रोटेक्शन है, ये इंस्टेंट स्ट्रेटनर है। इसको ओपन करते हैं और आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स, इसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है लेकिन ये इंपोर्टेड ब्रांड है। ये बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है, इसको मैंने यूज़ किया है। सो गाइज, इसकी जो प्राइस है ये 2500 इसकी प्राइस है। सो गाइज, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है और ये इसका प्लग है। सो गाइज, यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है, शायद आपको नज़र आ रहा है मेरा कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे इसकी हीट जो है वो आप सेट कर सकते हैं, 550 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 600 है, फिर 615 है, फिर उसके बाद 700 है, फिर 750, यानी कि 750 तक आप इसकी टेम्परेचर को ले जा सकते हैं। और ये इसके ऑन ऑफ वाला बटन है। सो गाइज, इसको ओपन कर लेते हैं और आपको इसको ओपन करके इसकी हीट को चेक करवाते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आपको हेयर स्टाइल बना के, हेयर्स को स्ट्रेट करके या उससे कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बना के कर्लिंग करके आपको फिर दिखाऊंगी। सो गाइज, इससे आप बहुत ही अच्छे से क्रिम्पिंग भी कर सकते हैं और कर्लिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसका प्लग लगा दिया है और इसको ऑन कर लिया है। सो गाइस, ऑन करने पे आपको इस तरह की इसकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर है, आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप 550 पे सेट करते हैं तो आपके नॉर्मल हेयर है तो आप इसे 550 पे सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी कलरिंग करनी है यानी कि आपने इसके कर्ल्स बनाने हैं तो आप इसको डायरेक्ट 700 पे भी ले जा सकते हैं। सो गाइस, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हीट अप होने देंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसकी हीट कैसी है और ये कैसा अच्छा वर्क करता है। सो गाइस, इसको मैंने अपने ऑयली हेयर्स पे यानी कि मेरे हेयर्स में ऑयल लगा हुआ था उससे भी मैंने इसको स्ट्रेट किया तो ये इतनी ऑसम वर्क किया। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, रिमेनिंग टोन का ये स्ट्रेटनर है। फ्रेंड्स, ये मेड इन जापान है, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जब भी परचेज़ करें तो किसी अच्छी कंपनी का परचेज़ करें क्योंकि स्ट्रेटनर जो होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करते अगर आप इसको किसी लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं। सो गाइज, इसको आपने अच्छी जगह से परचेज़ करना है और
देख कर कोई अच्छा ही स्ट्रेटर इसको परचेज करना है फ्रेंड्स। इसकी हीट जो मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर होने के साथ साथ इसकी हीट जो है ये बहुत अच्छी है। मैक्सिमम जो स्ट्रेटनर होते हैं उनकी तकरीबन हीट जो होती है वो 220 तक होती है, लेकिन इसकी 750 तक है। और इससे ज़्यादा के भी आपको मिल जाते हैं, वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनके हेयर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं। लेकिन गाइज वो जो होते हैं वो आपके हेयर्स को भी डैमेज कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप हमेशा उस तरह के स्ट्रेटनर यूज़ करें जो कि आपके हेयर्स को प्रॉब्लम ना करे, आपके हेयर्स को डैमेज ना करे। सो गाइज ये हीटअप हो गया है और इसकी हीट जो है मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। सो गाइज ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि ये बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली चीज़ है। अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हैं और स्ट्रेटनर की वीडियो देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इससे बाल स्ट्रेट करके और इससे कर्ल्स बना के आपको दिखाऊंगी। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि लाइक से अप्रिसिएशन होती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।